नंबर टू देखते हैं क्या है। साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फाइव, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स जो लाई कर रहा है वो कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये फोर्थ, ये हमें पता है ठीक। इसे देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी है, तो ध्यान से देखिए। अब साइन एक्स पे गिवन है तो क्या करेंगे, कॉस फाइंड कर लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, पुट इन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स थ्री बाई फाइव स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का ट्वेंटी फाइव प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। पॉजिटिव है उधर भेजोगे, निगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, इम्प्लाइज दैट ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स फोर अपॉन फाइव, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, सिक्सटीन का फोर ट्वेंटी फाइव का फाइव कॉस एक्स। अब हमें कह रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ लिखी है सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस आए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब कोसेक क्या आ जाएगा, साइन का अपोजिट होता है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या दिया है थ्री बाई फाइव, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या आएगा फाइव बाई थ्री, ऊपर चला जाएगा चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब कोसेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिख लीजिए एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो कोसेक एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री, क्योंकि जब सेकंड में लाई कर रहा है तो कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है। अब सेक निकाल लेते हैं, सेक एक्स क्या होता है वन अपॉन कॉस एक्स, इसका अपोजिट, तो कॉस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस फोर अपॉन फाइव, इसको चेंज कर दें क्या आएगा फाइव अपॉन फोर, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव में ही रहेगा ओके। अब क्या है टाइम, टाइम एक्स क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू क्या है हमारा दिया थ्री बाई फाइव और कॉस की वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव, ये बाई फाइव कैंसिल क्या आ गया थ्री बाई फोर निगेटिव। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए भी निगेटिव होगा, यहां लिख लीजिए सेंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो
tan x इज इक्वल टू माइनस 3/4। जब tan निगेटिव है सेकंड में तो cot भी निगेटिव होगा, तो cot जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या आ जाएगा -4/3। ये आपके आंसर आ गए, नोट कर लीजिए ये सब क्या है आंसर है आपके। ये tan का है, ये cosec है, ये cosec है, ये sec है, और ये इधर cos, नोट कर लो बेटा।